हेलो दोस्तों, बिहार बोर्ड से जितने भी छात्र छात्राएं मैट्रिक या इंटर का फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं, उन सभी के लिए बिहार बोर्ड के तरफ से 2-3 ऑफिशियल अपडेट आया है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यह जानकारी देने वाला हूं कि आखिर इस तीनों अपडेट में क्या क्या जानकारी बताया जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि बिहार बोर्ड एग्जाम से जुड़ी सारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक करें। चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला अपडेट विशेष परीक्षा को लेकर है। इसमें बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा में फॉर्म भरने से वंचित छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का होगा आयोजन। मैट्रिक इंटर में वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए किसी कारणवश अगर फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं तो छात्र छात्राओं का बिहार बोर्ड विशेष परीक्षा का एक और मौका देगा। विशेष परीक्षा का आयोजन अप्रैल मई 2023 में संभावित है। बोर्ड मैट्रिक इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट जारी करने के तुरंत एक हफ्ते बाद ही कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर देगा। मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 में शामिल होने से वंचित वैसे स्टेट छात्रों जो स्कूल और कॉलेज द्वारा आयोजित सेंटअप परीक्षा में उत्तीर्ण है, लेकिन शिक्षण स्थानों के प्रधान की लापरवाही के कारण उनका ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा जा सका, जिसके कारण वे परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गए हैं। वैसे स्टूडेंट की छात्र हित में विशेष अवसर दिया जाएगा। स्तर शिक्षण ग्रहण करने के लिए उस बोर्ड ने परीक्षा फल मई में अथवा अधिकतम जून 2023 तक प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा है, ताकि ऐसे छात्र सत्र में अपना नामांकन करा सकें जिससे उनके शैक्षणिक सत्र का नुकसान नहीं हो सके। ऐसे छात्रों को मैट्रिक एवं इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 के अनुरूप परीक्षा फल सरणी के साथ प्रकाशित किया जाएगा। चलिए दूसरे अपडेट की तरफ चलते हैं। दूसरा अपडेट में जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा केंद्रों के बारे में बताया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर परीक्षा केंद्रों के सत्यापन के बाद ही लगेगा मुहर। बिहार बोर्ड की मैट्रिक इंटर की वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए जिले में 93 केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं, लेकिन भौतिक सत्यापन के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। डीओ अजय सिंह ने अधिकारियों को 21 बिंदुओं पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी गई है, इसके लिए फॉर्मेट दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर के फाइनल बोर्ड एग्जाम का तैयारी होने ही वाला है। बिहार बोर्ड जितने भी जिले में परीक्षा का केंद्र बनाने वाला है, उसके लिए पहले बिहार बोर्ड पूरी तरह से पता लगा लेगा कि उस स्कूल कॉलेज में पिछले वर्ष परीक्षा में चोरी तो नहीं होता था और शौचालय का सभी चीज का व्यवस्था है, तभी वह उस स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाएगा। और तीसरा अपडेट इंटर के रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 11वीं में एडमिशन लेने वाले नए स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। एडमिशन लेने वाले 15 तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। ऑफ एसएस से शस्त्र 2022-24 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट अब 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे पहले रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 30 नवंबर तक थी, जिसे समिति ने बढ़ा दिया है। प्लस टू विद्यालय या मध्य विद्यालय के प्रधान senior.secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन पत्र अलग अलग प्रति में डाउनलोड कर स्टूडेंट को उपलब्ध कराएंगे। इसमें स्टूडेंट द्वारा चयनित विषय एवं अन्य विवरण को कंडिका 1 में वर्णित अनुसार भरा जाएगा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का अगर किसी भी छात्र का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ तो 15 तारीख तक आप जाकर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन अपने स्कूल या कॉलेज से। तो आज के लिए इतना ही अपडेट था। ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझोगे। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।